हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्सटीन में यानी आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे एल आई सी आई पी ओ वीनस पाइप्स डिलीवरी प्रूडेंट कोऑपरेटिव यहाँ पर जो तीन नए आई पी ओ आपको खुलते हुए देखने को मिलने वाले हैं उनके बारे में एंड जो आई पी ओ कल खुलने वाला है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे एंड कल जैसे सबको पता ही कि देखिए लिस्टिंग होने आ रही है एल आई सी के एल आई सी की भी तो डेफिनेटली कल मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता हुआ देखने को मिलने वाला है सभी के लिए बिकॉज़ कल जो जो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी जाती हुई देखने को मिली थी वो डेफिनेटली उन शेयर्स के साथ साथ मार्केट में लौटती हुई भी नज़र आएगी तो वीडियो को पूरा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा सोफ्रेंड so, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रदीप फ्रॉसपेट्स के आईपीओ के बारे में प्रदीप फ्रॉसपेट्स अगर आप देखेंगे कल से लिस्ट होता हुआ आपके जगह कल से ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है सेवनटीन से नाइनटीन मई के बीच में आईपीओ आई आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं तो देखिए जो कंपनी है वो नाइनटीन में आपको बनती हुई देखने को मिली थी ये अगर आप देखेंगे तो जो काम करती है वो मैन्युफैक्चरर करती है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स का इंडिया में कंपनी इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ट्रेडिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और बहुत सारे वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में आपको काम करती हुई देखने को मिलती है थ्री ग्रेड जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम के काम होते हैं उसमें करती हुई देखने को मिलती है जिपमाइट फॉस्फोज जिप्सम एंड हाइड्रोफ्लोरोसिलिक uh, एसिड में भी आपको काम करती हुई देखने को मिलती है याद रखी गया ये इंडिया की लार्जेस्ट सेक्ट लार्जेस्ट सेकंड प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की और डाई अमोनियम फॉस्फेट जो डीएपी कहा जाता है अब बात करें दोस्तों कंपनी के और बारे में तो कंपनी के पास अगर आप देखेंगे कुछ करीबन बारह सौ मेट्रिक टन का यहाँ पे आपको कैपेसिटी आता हुआ देखने को मिलता है uh, जो यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट जिसमें बारह हजार uh, एक लाख बीस हज़ार पैंसठ हज़ार पचपन हज़ार और पैंतीस हज़ार मेट्रिक टन इनके पास फॉस्फेट रोग फॉस्फरिक एसिड सल्फर और एम आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो कह सकते हैं कि कंपनी के पास अच्छा खासा आपको प्रोडक्शन प्लान प्लस अच्छी खासी कैपेसिटी में यहाँ पे सब कुछ मिलता हुआ देखने को मिलता है थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास करीबन चार डीलर्स थे और करीबन सिक्सटी रिटेलर्स सर्व कर रहे थे ओवर फाइव मिलियन फार्मर्स बेसिकली कंपनी का जो काम है वो फार्मर्स के साथ आपको चलता हुआ देखने को मिलता है और वही यहाँ तो पर आपको उन कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलता है तो फार्मर्स के साथ ही काम करती हुई देखने को मिलती है अब कॉम्पिटेटिव स्ट्रंट के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो सेकंड लार्जेस्ट है ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की इंडिया में और बात करें आगे तो कंपनी वेल पोजिशन है इस पूरे इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के डायनमिक्स के अंदर जिसको सपोर्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ भी किया जाता है सबसे बढ़िया बात कंपनी के लिए यही है कि जो इनके पास रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी है भले वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की फैसिलिटी हो या फिर इफेक्टिव सोर्सिंग हो सब कुछ बढ़िया तरीके से कंपनी के पास सिक्योर और सर्टिफाइड मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अनयूटिलाइज लैंड इन सबके लिए एक्सपांशन भी अवेलेबल कर देती है तो कंपनी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज है कंपनी एक ब्रांड नेम के साथ आती हुई देखने को मिलती है जिसकी एक्सटेंसिव सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है एक्सपीरियंट मैनेजमेंट है कंपनी की पैरेंट कंपनी अगर बात करता हूँ तो ये बैक बाय है जुआरी एग्रो वो आपको पहले से ही हमारे मार्केट्स में लिस्ट होती हुई देखने को मिल चुकी है एंड जुआरी एग्रो इनके प्रमोटर्स भी है सो कह सकते हैं कि प्रमोटर्स भी काफ़ी प्रोमिट ट नेम है और प्रोमिनंट शेयर होल्डर्स भी कंपनी का आपको देखने को मिलते हैं तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि कंपनी बढ़िया है इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है अब कंपनी के सेल्स और एसेट्स के बारे में बात करते देखिए कंपनी का जो, जो मेजर रेवेन्यू था वो अगर आप देखेंगे लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है आ, सिर्फ मार्च मार्च के क्वार्टर्स के बारे में बात करें तो देखिए मार्च मार्च में आपको देखने को मिलेगा फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी टू मिलियन का कंपनी का कारोबार था जो अगले साल इसके अगले साल में थोड़ा सा इफेक्ट हुआ ड्यू टू कोविड बट उसके अगले साल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी बढ़िया यहाँ पे इंक्रीज दिखाया फिफ्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी नाइन मिलियन से कंपनी का पी 80, अगर आप देखेंगे तो 1589 मिलियन का, देन 1932 मिलियन का और अभी बाईस और जब कंपनी के क्यू थर्ड के नंबर्स निकल के आए तो 71862 मिलियन की कंपनी का एसेट है रेवेन्यू अगर आप देखेंगे करीबन साठ हज़ार Uh, के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा गया सिक्स सेवन मिलियन के आसपास एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थ्री सिक्स टू सेवन मिलियन के आसपास पहुंच चुका है तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं इसमें भी कोई दोहराए नहीं है तो कंपनी अभी तक तो देखिए बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल रही है ऑब्जेक्ट बात करें कि क्यों इशू लाती हुई देखने को मिल रही है तो सबसे ज्यादा तो कंपनी को पार्ट फाइनेंसिंग करनी है जिन्होंने एक्विजिशन किया था गोवा फैसिलिटी का कंपनी को प्री पेमेंट करना है कुछ सर्टन बोरिंग्स का और जनरल कॉपरेट पर्पजेज जो होते हैं उसके कारण लाती हुई देखने को मिल रही है अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में तो याद रखिएगा दस का फेस वेल वाला स्टॉक है और सिर्फ फोर्टी टू रुपीज़ का आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा वैल्यूशन के हिसाब से बहुत सही देखने को मिलता है साढ़े तीन सौ रुपये पर शेयर अगर आप देखेंगे आपको एक लॉट में मिलता हुआ देखने को मिलेगा ये बात इंपॉर्टेंट है बात करें देखिए कंपनी के और दे... इंपॉर्टेंट इशूज़ के बारे में तो करीबन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हज़ार चार करोड़ का फ्रेश इशू है और ओ एफ एस करीबन फोर नाइन्टी सेवन करोड़ का है बुक बिल टाइप का आई पी ओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है जिसमें पैंतीस परसेंट से कम रिटेलर्स को मिलेगा पचास परसेंट से कम टू आई बीस को एन आई एस को नॉट लेस देन फिफ्टीन परसेंट सो कह सकते हैं कि ये सब है, एक लॉट में आपको चौदह हज़ार सात सौ रुपये पे करने वन लाख नाइन्टी वन थाउजेंड रुपीज़ आप टोटल थर्टीन लॉट के लिए लगा सकते हैं जिसमें आपको चार हज़ार पाँच सौ पचास शेयर मिलेंगे अब जैसे मैंने कहा कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है तो कंपनी के प्रमोटर्स आपको देखने को मिलेंगे जुआरी मैरोक फॉस्ट ट लिमिटेड जुआरी एग्रोकेमिकल जो कंपनी है वो आपको सेकेंड लार्जेस्ट नॉन यूरोग्रीकल्चर सेगमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा भी बैक्ड होता है तो कंपनी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट पर आपको आती हुई देखने को मिलती है considering the primary thrust on सो so, देखिए ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि कंपनी अच्छे सेगमेंट से आपको आती हुई देखने को मिल रही है बैक बाय स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स एंड कह सकते हैं कि मार्केट में जिस प्रकार की वैल्युशन पर, पर ये आपको स्टॉक लाते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी काफी रीजनेबल है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बात करें ग्रे मार्केट की तो ग्रे मार्केट जो है इसकी वो तीन रुपए चलती हुई देखने को मिल रही है अब ज्यादा तो ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल नहीं रही है बट अगर मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है तो मान के चलेगा यहाँ पे दस अगर आपको ग्रे मार्केट होती हुई देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अब यहाँ पर डेफिनेटली काफी लोग सोचेंगे कि फोर्टी का है तो बहुत ज्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा बट समझिए आपको देखिए जिस प्रकार पर जो बैंड लेके आ रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मैटर करता है फोर्टी टू रुपीज़ का मतलब ये नहीं है बहुत सारे आई पी ओ होते हैं जो देखिए बहुत लो प्राइस पे आते हैं बट ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करेगा ही करेगा बट जिस प्रकार से यहाँ पर कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है छोटे से लिस्टिंग गेंद तो आई थिंक यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चले तो कोई गलत बात होगी नहीं बहुत बड़े लिस्टिंग गेंद के बारे में तो डेफिनेटली पर मैं नहीं कह सकता बट हाँ यहाँ पर छोटा मोटा लिस्टिंग गेंद तो डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिलेगा बात करते हैं नेक्स्ट आई पी ओ के बारे में नेक्स्ट दोस्तों जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है वो है एथोस लिमिटेड आईपीओ एथोस लिमिटेड जो है वो 18 से 20 मई के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा एट सेवन एट रुपीज का प्राइस बैंड रखा गया है दस रुपये की फेस वैल्यू है फोर सेवेंटी टू करोड़ का इशू है बी एस सी एन ए दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा इन टोटल सेवेंटीन शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे अब ये जो आईपीओ है वो कह सकते हैं कि जो कंपनी लेके आ रही है वो एक प्रीमियम वॉच ब्रांड वियर वियरेबल की बिज़नेस आप में आपको काम करती हुई देखने को मिलती है एट सेवेंटी एट रुपीज़ का प्राइस बैंड अनडाउटेडली आपको महंगा देखने को मिलेगा ही मिलेगा और वो है महंगा क्योंकि तो एट सेवेंटी एट रुपीज़ आई डोंट थिंक देखिए फेयर वैल्यूएशन पर है कहीं से कहीं तक फेयर वैल्यूएशन पर नहीं है एंड मुझे नहीं लगता कि देखिए मार्केट में इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह होता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी ऐसी कंपनीज आपको बड़े बड़े प्राइस बैंड लेके आई है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटती हुई नजर आई तो डेफिनेटली इस आई पी ओ में तो हम बात करेंगे बाद में कल इसके ऊपर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि देखिए कंपनी के अंदर कोई बड़ा पैसा बन सकता है ग्री मार्केट भी अभी भी नीली चल रही है तो ग्री मार्केट तो अभी तक स्टार्ट होती हुई देखने को नहीं मिली है बट डेफिनेटली यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आई पी ओ आता हुआ देखने को मिलता है फिर सब्सक्रिप्शन आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा सो फ्रेंड्स ई मुद्रा आईपीबी ओपन जा रहा है इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइड अथॉरिटी कंपनी आपको ओपन होती हुई देखने को मिलेगी 20 से चौबीस मई के बीच में ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा दो सौ छप्पन प्राइस बैंड है पाँच रुपये का फेस वैल्यू लाता हुआ देखने को मिल रहा है चार सौ बारह करोड़ का इशू है बी एस एन ए दोनों पे लिस्ट होगा टोटल फिफ्टी एट शेयर मिलेंगे इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है अभी जो ग्रे मार्केट है वो अभी भी नीली चलता हुआ देखने को मिल रहा है कोई वहाँ पर चेंजेस आते हुए देखने को नहीं मिले तो डेफिनेटली अभी तो यहाँ पर इतना कुछ कह सकते हैं आई को लेकर ग्रे मार्केट में एक्टिविटी होती हुई देखने को नहीं मिल रही है बट हो सकता है कि देखिए जैसे जैसे पास आए ग्रे मार्केट भी एक्टिव होती हुई देखने को मिले अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे रिमेनिंग आईपीओस के ग्रीन मार्केट के बारे में फ्रेंड्स so, बात करें प्रूडेंट कॉपरेट के बारे में तो प्रूडेंट कॉपरेट की जो ग्रे मार्केट है वो बीस रुपये चलती हुई देखने को मिल रही है विद नो ट्रेड्स मार्केट में ट्रेड्स आपको अवेलेबल होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं इन कह सकते रीज़न साफ साफ एक ही है कि मार्केट जिस प्रकार से वॉलीटाइल है पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है इसलिए कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट इतना एक्टिव रहता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है आई थिंक मार्केट में थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आती है मार्केट सपोज सिक्सटीन टू फिफ्टी को क्रॉस कर देता है उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि देखिए हाँ आईपीओ मार्केट में भी आपको एक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा बट ड्यू टू गिरावट आईपीओ मार्केट अभी आपको इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि जो ग्रे मार्केट है वो ज्यादातर अपडेट भी नहीं हो रही है तो वही कह सकते हैं कि यहां पर ज्यादा अभी तो आपको मार्केट में आईपीओ को लेकर इतना ज्यादा रोमांच नहीं है डिलीवरी आई पी के बारे में बात करते हैं देखिए डिलीवरी आई को 16 मई को ग्रे मार्केट जो है वो नो ट्रेड है यानी जीरो रुपए चलती हुई देखने को मिल रही है ये आईपीओ में तो बहुत मुश्किल है कि पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा भी नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता बहुत मुश्किल से ये आईपीओ अगर आप देखेंगे सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला पूरा और कह सकते हैं कि अब मार्केट ग्रे मार्केट के अंदर भी इसको लेकर कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है साढ़े बारह बजे तक भी अगर आप देखेंगे तो नो ट्रेड्स दिखा रहा है लगातार कुछ दिनों से नो ट्रेड्स दिखा रहा है तो कोई चेंजेस तो यहाँ पर आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं अब बात करें देखिए वीनस पाइप्स के बारे में तो वीनस पाइप्स एकमात्र मात्र ऐसी कह सकते हैं आईपीओ है जिसका जो ग्री मार्केट है वो थोड़ा सा एक्टिव वर्क कर रहा है कल 20 था चौबीस रुपये होता हुआ देखने को मिल चुका है सब्सक्रिप्शन देखिए बढ़िया निकल के आया था वीनस पाइप्स का और याद रखिएगा इसी हफ्ते आपको इसका अलॉटमेंट भी आता हुआ देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि यहाँ पर किस प्रकार से ये आई लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा लिस्टिंग अभी इस हफ्ते नहीं है चौबीस मई को लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी जो ग्री मार्केट है वो एक्टिवली काम कर रही है चौबीस रुपये के आसपास अभी ग्री मार्केट वर्क कर रही है चौबीस रुपये आई थिंक बढ़िया है इसमें कोई डाउट नहीं है अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में जो है LIC सो फ्रेंड्स कल LIC आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है अपने आप अप में बहुत बड़ा ये इवेंट होता हुआ देखने को मिलेगा जिस प्रकार से देखिए आईपीओ में पैसा आता हुआ देखने को मिला पैसा भी देखिए ठीक था इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी ये आईपीओ 2 3 2.95 टाइम 3 टाइम सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी बात होती है अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल पॉजिटिव में लिस्टिंग देगा कि नहीं देगा तो लिस्टिंग के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो आ जा जाएगा जो वीडियो का टाइम मैं आपको बताता हूँ पाँच बजे से साढ़े पाँच बजे के बीच में कभी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा ए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखिएगा ताकि आपको पता चल सके अब ये जो वीडियो है जो साढ़े पाँच बजे आएगा वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एल में पैसा नहीं लगाया या तो उनको अलॉटमेंट नहीं मिला और जिन्होंने पैसा लगाया उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि कल एल लिस्टिंग होने जा रही है तो याद रखिएगा ये वीडियो जो है वो सब लोग देखिएगा अगर आपको भले एल आई मिला है या नहीं मिला है क्योंकि कल क्या मौका मिल सकता है बाइंग का या फिर जिनको आया है तो क्या कल पॉजिटिव लिस्टिंग के बारे में हम विचार कर सकते हैं इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था अभी तो माइनस पंद्रह ही गिरी मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है बट कुछ भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो so फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो